टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस वीडियो दिसन ईच एंड एवरी थिंग इज वेरी अफोर्डेबल सारी चीजें गाइस पांच सौ रुपए के अंदर की है एंड आई एम श्योर यू गाइज गोन लव द कलेक्शन हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज की वीडियो के लिए गाइस आई हैव दिस वेरी ह्यूज बैग फ्रॉम मिंत्रा जिसके अंदर की सेवन स्वेटर्स हैं या फिर ये कह लो कि सेवन पुलोवर्स हैं एंड ईच एंड एवरी पीस इज अक वन और सारी ही चीजें बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है लाइक दे आर वेरी अफोर्डेबल एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज मिंत्रा पे सेल इज लाइफ एंड दिस इज आर एंड ऑफ रीजन सेल एंड द डिस्काउंट दे आर ऑफरिंग आर अप टू नाइंटी परसेंट एंड दे आर क्लेमिंग दैट दिस इज द बिग्गेस्ट सेल ऑफ द ईयर सो गाइस इसी के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो के साथ में सो लेट स्टार्ट ज द वेरी फर्स्ट पुलोवर फॉर दिस हॉल इज अ वूमन ब्लैक एंड वाइट टाइप्राफिक प्रिंटेड पुलोवर जो कि मैंने साइज एम में परचेज किया था एंड द प्राइज ऑफ दिस पुलोवर इज फोर सेवेंटी एट रुपीज एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल सो दिस इज द पुलोवर इन ब्लैक एंड वाइट कलर एंड लुक एट द प्रिंट दिस इज सो सो अमेजिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा इसका ये प्रिंट है एंड इसका जो नेक लाइन है इज लाइक दिस दिस इज द स्लीव स्लीव पे ना आगे की तरफ में इस तरह का ये ग्रिप दिया हुआ है और सेम ग्रिप यहाँ पे इस तरह से ये नीचे की तरफ दिया हुआ है जिसकी वजह से ना एक क्रॉप स्वेटर स्टाइल में भी इसको पहन सकते हैं जो ये वीडियोज लगाए ना गाइस इसमें मैंने आपको ये चीज़ करके भी दिखाई है कि इसको किस तरह से एक कंप्लीट स्वेटर में या फिर एक क्रॉप स्वेटर में पहन सकते हैं एंड जो मटेरियल है इसका इज सो सॉफ्ट लाइक बहुत ही ना सा मोटा सा इसका मटेरियल और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बहुत

and

नेक्स्ट पुलोवर के साथ में गाइस तो जो अगला पुलोवर है दिस इज अ वुमन ब्लैक एंड व्हाइट चेक्ड पुलोवर जो कि 560 rupees में मैंने परचेज किया था और अभी जो इसका प्राइस हो रहा है गाइस इज 446 rupees साइज मैंने इसमें भी एम ही लिया था एंड दिस इज दैट ब्यूटीफुल पुलओवर दिस इज फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लुक कैटेड गाइज दिस इज सो सो ब्यूटिफुल इसका जो पैटर्न है ना दिस इज अ चैक्ट पैटर्न और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कलर इसमें यूज हो रहे हैं सो दिस इज इन ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे कलर एंड जो उसका नेक लाइन है इज लाइक दिस दिस इज आउ द स्लीवस लुक जो स्लीव स ऐसे फिटेड वाले नहीं है सो दे आर लाइक दिस जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे जो मैंने वीडियोज लगाए हैं ना इसमें आप देखना ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे थे और इन्ही स्लीव की वजह से ना इस पूरे स्वेटर का या फिर कह लो पोलोवर का ना जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो रहा

इज़ सो अमेजिंग इसका जो मटेरियल गाइस जो मोटा वाला मटेरियल होता है ना मोटा वाला मटेरियल है तो इसके नीचे भी ना आपको कुछ भी वार्मर पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये अपने आप में ही काफ़ी ज्यादा वार्म है एंड आई जस्ट लव गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इसका मटीरियल है एंड या नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट फ्लोवर फॉर दिस हॉल तो जो अगला फ्लोवर है गाइज ये मैंने परचेज किया था सिक्स सेवनटी नाइन रुपीज में साइज मैंने इसका एम लिया था एंड नाउ इसका जो प्राइस है इज फोर जीरो सेवन रुपीज एंड दिस इज सो so ब्यूटीफुल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सा ये प्लोवर है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स सो इसका जो नेक लाइन है इज अ राउंड नेक लाइन दिस इज हाउ द स्लीवस लुक लुक एट द स्लीवस का इज दे आर सो ब्यूटिफुल बहुत ही ना डिफरेंट सा इनका स्टाइल है और इनकी स्लीवस है ना इसी की वजह से यह प्लोवर ना एकदम डिफरेंट लग रहा है लाइक दिस इज वेरी डिफरेंट पहनने के बाद में ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था जो मटीरियल है ना इसका बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है मतलब मोटा वाला मटीरियल नहीं है बहुत ही ना पतला सा मटीरियल है बट दिस विल वर्क परफेक्ट फिस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स तो इसका जो स्टाइल है इज लाइक दिस और इसको ना मैंने अपने बेच कलर के पेंट्स के साथ में पेयर किया था बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इसका इफेक्ट आ रहा था बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आ रहा था और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था जो स्लीव पे प्रिंटिंग हो रहा है नगैस दिस इज हाउ द प्रिंट लुक ऑन द स्लीव और स्लीव में ना यहीं से प्रिंट स्टार्ट हो जाता है लाइक पे ना कोई गैप अवेलेबल नहीं है जो पिक्चर मैंने लगाया ना इसमें आप देख सकते हैं पहनने के बाद में ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक आ रहा था और जो स्लीव है गाइस इसके इनका जो मटेरियल है ये थोड़ा सा मोटा है लाइक मटेरियल जो स्लीव्स का है ये थोड़ा सा मोटा है और जो ये स्वेटर है इसका मटेरियल थोड़ा सा पतला है सो आई होप कि ना इसके साथ में जो हमारी कट स्लीव जो जैकेट्स होती है ना वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगी एंड दिस इज़ हाउ इट लुक गाइस आई जस्ट लव द मटेरियल इसका जो प्रिंट है इसका जो पैटर्न है एवरीथिंग इज सो नाइस एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पुलोवर फॉर दिस हॉल तो जगला प्लोवर गाइज इज अगैन फ्राम द ब्रांड ड्रेस बेरी एंड दिस इज अ वन एक प्लोवर जो कि फोर थर्टी वन रुपीज का है और अभी जो उसका प्राइस हो रहा है सेल में इज थ्री सिक्सटी सिक्स रुपीज कू डू बिलीव थ्री सिक्सटी सिक्स रुपीज में मिल रहा है एंड दिस इज हाउट लुक इसमें न गाई बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे एंड आईज आई वॉज वेरी कंफ्यूज मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कौन सा कलर लू बिकॉज सारे ही कलर बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे एंड दिस इज हाउ द पुल ओवर

स्टाइल में आ रहा है तो इसकी वजह से ना आप इसको अलग अलग बॉटम्स के साथ में ट्राई कर सकते हैं ट्राउजर्स like, के साथ में जींस के साथ में, में, में ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मटीरियल है जो मोटा वाला मटीरियल होता है ना वैसा वाला मटीरियल नहीं है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड दिस इज अ परफेक्ट परफेक्ट गो फॉर वियर्स लाइक ऑफिस में ना इस तरह के पोलोवर्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ब्लू कलर की के साथ में या ब्लू को लेके स्कर्ट के साथ में हर तरह से ना ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट करने वाला है सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई जस्ट लव्ड इट सो गाइस नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पुलओवर फॉर दिस हॉल तो जगला पुलओवर गाइस दिस इज अ वुमन ग्रे सॉलिड पुलओवर जो कि साइज एम में मैंने परचेस किया था एंड जो प्राइस मैंने इसका पे किया था गाइस इज 403 rupees इन जस्ट 403 एंड दिस इज़ हाउ दिस पुलोवर इज़ लुकिंग एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है इट इज़ इन ग्रे कलर एंड दिस इज रियली रियली सॉफ्ट बहुत 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 ही ज़्यादा सॉफ्ट है दिस इज़ हाउ द नेक लाइन लुक इस तरह के इसके स्लीवस हैं एंड दिस इज़ हाउ द पुलोवर लुक जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल है कांट इवन टेली उगाई सी कितना ज़्यादा सॉफ्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इसका मटीरियल है एंड इसकी जो लेंथ मुझे आ रही थी इस कंप्लीट

एंड पर्पल है एक वाइट है एंड आई परचेज इट इन व्हाइट कलर बिकॉज ये कलर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था एंड दिस इज हाउ इट जो स्वेटर वेस्ट होता है ना दिस इज अवेटर वेस्ट एंड इसका जो नेक लाइन है इज अक लाइन मटेरियल इज रियलीस इज हाउ द प्रिंट लुक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा है बहुत ज्यादा अच्छा है इसका जो मटेरियल है इज रियली सॉफ्ट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा इसका ये मटेरियल है और इस तरीके के जो स्वेटर वेस्ट होते हैं गाइस इनको आप बहुत सारे तरीके से स्टाइल कर सकते हैं सबसे पहले तो आप इसको ऐसे ही पहन लो लाइक एज इट इज पहन लो जो वीडियो मैंने लगाया है इसमें मैंने आपको दिखाया भी है